वाले भी बहुत सीख हैं। आज हमारे पास अभी मोबाइल एक आया है XS, तो ये एप्पल लोगो पे रीस्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा आगे X मैंने ऐसे ही किया है, आपके साथ ही शेयर किया, और मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूं कि इसको क्या मसला हो सकता है। ये देखिए अभी एप्पल पे खड़ा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा। इसको हम चार्जिंग पे भी लगाते हैं, लेकिन ये फिर दोबारा एप्पल का लोगो दिया इसने, तो दोबारा ये रिस्टार्ट हुआ है। हम इसको अब खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं क्या मसला है। क्योंकि जो पहले हमने एक्स किया था तो उसका बैटरी का मसला था, तो आपको समझाया था कि कैसे चेक करना है। अब इसको भी हमने खोला, और खोलने के बाद अब चेक करते हैं। इसमें मेन चीज़ होती है बैटरी होती है, बैटरी का भी मसला हो सकता है, कैमरे का भी मसला हो सकता है, डिस्प्ले का भी मसला हो सकता है, उसके बाद इसकी फेस आईडी का भी मसला हो सकता है। ये चीज़ें हैं, इनको चेक करना ज़रूरी है। इसको कोई भी चीज़ लगाए पहले हम वैसे टेस्ट करते हैं कि क्या इसके अंदर मसला है, या मतलब कि इसके लाडे बुक से अंदर के चार्जिंग, इसका जो कनेक्टर है, उसके बाद बैटरी है, उसके बाद डिस्प्ले है, फेस आईडी है ये वाली, और इसके साथ कैमरा। ये हम चेक करते हैं, बैटरी का कनेक्टर इसका निकालेंगे, उसके बाद हम पहले फेस आईडी से हम इसको करते हैं। ये हमने निकाल दिया, अब इसको हम दोबारा बैटरी को लगाएंगे, ऑन करते हैं इसको। शायद बैटरी लो है, चार्जिंग लगा लेते हैं। ये चार्जर हमने लगा दिया, ये जी अभी ऑन हुआ है। दोबारा फिर स्टार्ट हुआ तो मैं पता चल जाएगा कि इसका कोई और मसला है, ना कि फेस आईडी का। फिर हम बारी बारी वो चीज़ें उतार के चेक करेंगे। लेडी, इसका मतलब है कि इसकी फेस आईडी की जो स्टिप है ना, वो शार्ट कर रही है। इसका मतलब है हमें वो चेंज करनी पड़ेगी पूरा जो सिस्टम है। अगर कस्टमर को फेस आईडी चाहिए तो उसका वो प्रेजेंजर होता है, वो चेंज करना पड़ता है, बाकी वो स्टिप नहीं लगती है। तो
तो अगर आप घर में कर रहे हैं तो आपको तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप इसकी जो फेस आईडी है, जो ओरिजिनल नहीं, जो फेस आईडी नहीं चलती, खाली इसका ये कान वाला स्पीकर जो जिसको बोलते हैं जर्मन में फॉर्मोशल, ये चलेगा बस। और इसका जेंजर चलेगा कि लाइट जो कान के साथ लगाएं तो इसका जेंजर की वजह से डिस्प्ले ब्लैक हो जाती है, लेकिन फेस आईडी नहीं चलेगी। तो बैटरी का मैंने बताया था आपको इसका, कि बैटरी का कैसे चेक करना है। अब यान तो हो गया, हम इसकी बैटरी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। बैटरी जिसकी 86% इसकी बैटरी है, इसका मतलब बैटरी इसकी ठीक है। ये हम चार्जिंग से उतार दिया, ये हम इसको फिर दोबारा वैसे ऑन करते हैं। ये हमने चार्जिंग से के बगैर इसको ऑन किया है, अब देखते हैं कि दोबारा फिर ऑन होता है कि नहीं होता फेस आईडी के बगैर, क्योंकि ये मैंने इसकी ये सी उतारी हुई है फेस आईडी की। तो कोई भी वीडियो जो है मेरी उसको स्किप करके ना देखा करें। अगर आपने सीखना है कुछ तो फिर, अगर आप ऐसे ही देख रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है आपको देखने का। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें कि किसी को कुछ हासिल हो जाए इस वीडियो से, कि जिस तरह मैं आसान तरीके से समझाता हूँ, कि बिल्कुल ही आसान तरीका है, तो ये तो हर बंदे के समझ में आ जाएगा। हेलो, अब इसको दोबारा हम फेस आईडी लगा के ऑन करेंगे, चेक करते हैं दोबारा ऑन होता है कि नहीं। ये देख रहे हैं आप, पहले इसे जल्दी ऑन हो गया था बगैर इसकी फेस आईडी की स्टिप के। तो इसका मतलब कि इसकी स्टिप का मसला है। ये देखिए अभी फिर एप्पल का लोगो आ जाएगा। ये देखिए ऑन नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि फिर हम बंद करके चेक करते हैं एक दफ़ा कि आपको सही समझ आ जाए। ये देखिए ये सिम मैंने उतारी हुई है, अब इसको दोबारा ऑन करेंगे। ये हमने इसको ऑन कर दिया, अब ऑन किया, लेकिन चेक करते हैं फिर ऑन होता है कि नहीं होता बगैर फेस आईडी के। ये देखिए ये ऑन हो गया दोबारा, फिर इसका मतलब इसकी फेस आईडी की चिप का मसला। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर आवर वीडियोस। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।